करवा दिया आपको कि इसको भारतीय रजोगुण, भारतीय जो दृष्टिकोण है व्यक्तित्व का, उसके हिसाब से भी मैंने आपको ये करवा दी है, ठीक है। तो ये अगर बात करें तो इसको नैतिकता का सिद्धांत भी कहते हैं, अगर याद रखें तो आप नैतिकता या आदर्शवादी सिद्धांत भी इसको कह सकते हैं। तो ये सिगमंड फ्रायड के चीजें थी। अब सिगमंड फ्रायड ने कुछ और चीजें भी बताई हैं, यानी सिगमंड फ्रायड ने कुछ सिद्धांत और भी बताए हैं सिद्धांत के प्रत्यय, ठीक है। क्या क्या बताए हैं देखो, सिगमंड फ्रायड पहले कहता है LIBIDO, लिबडो, लिबडो अर्थात ये बोलता है सेक्स, ठीक है, यानी काम भावना को ये क्या नाम देता है, ये कहता है उसको बोलना है लिबडो। अब याद कर लो बेटा, काम भावना के तहत लिबडनो, सीधी सी बात है, लिबडनो ही है, यानी आदमी अपने आनंद के लिए जिस चीज का यूज करेगा वो किसके तहत आएगी, लिबडो के तहत आएगी, यानी जिसमें बालक कोई भी व्यक्ति है उसको सुख मिलता है वो चीज करने में, तो वो किसके तहत मानी जाएगी, लिबडो। को जरूरी नहीं है वो काम भावना ही हो, और भी बहुत सी चीजें हो जाती हैं, जैसे आपको भूख लगी है, जबरदस्त भूख लगी है और आपको अपनी फेवरेट चीज मिल जाए, आपको आनंद आ जाता है, तो वो भी किसमें मानी जाएगी, इसमें। परंतु ये सिगमंड फ्रायड ये कहता है कि लिबडो का अर्थ ही क्या है, सेक्स है, अर्थात काम भावना है, ठीक है। दूसरी बात करूं, ये होती है शैशव कामुकता, शैशव कामुकता, ये क्या होती है जी, ये सिगमंड फ्रायड ये कहता है कि जो बालक होता है उसमें सेक्स के गुण पाए जाते हैं, यानी सेक्स की भावना पाई जाती है, ठीक है, काम भावना पाई जाती है, अर्थात कामुकता की भावना, सेक्स का अर्थ कामुकता। जो छोटा बच्चा होता है कहते हैं उसमें सेक्स होता है, वो सेक्सुअल क्रिया करता है, ठीक है, सिगमंड फ्रायड के अनुसार। परंतु वो सेक्स जो होता है ना शैशव वाला, वो किशोर अवस्था से क्या होता है, अलग होता है। किशोर अवस्था में तो वो अपने आनंद के लिए करता है, परंतु यहां वो इसके पास सिर्फ भावना भावना है, करता कुछ नहीं है। जैसे अगर इसने कहा है कि बच्चा जो होता है वो अपनी माँ का जो दूध पीता है, स्तनपान करता है, तो अपने हाथ से माँ के जो स्तन होता है उसको दबाता है, तो फ्रायड कहता है ये तो कामुकता है। जैसे बालक है अंगूठा चूसता है, तो बालक फ्रायड के अनुसार कहता है कि ये भी क्या है, सेक्सुअल रिसोर्ट है, ठीक है, सेक्सुअल क्रिया है। और बालक ऐसे होठ खाता है तो भी क्या कहते हैं, सेक्सुअल है। बालक जब फ्रेश होने जाता है, लेटरिंग वगैरह जाता है, तो वह अपने गुप्तांगों से खेलता है, ये भी क्या है, सेक्सुअल है। और कहते हैं कि एक से लगभग बालक 2 से 5 वर्ष की उम्र तक उसकी जो सेक्सुअल रिसोर्ट होता है वो उसकी गुदा होती है, जब वो मलमूत्र त्याग करता है ना, तो उसकी गुदा ही उसका ये इस काम भावना होती है, ठीक है। तो ऐसा सिगमंड फ्रायड ने कहा है। तो तीसरी बात करूं, सम्मोह है, अर्थात है नॉर्सिज्म, नॉर्सिज्म ये एक बीमारी है भाई, सीधी सी बात है। कईयों को घमंड हो जाता है कि मैं सुंदर बहुत हूं, भी अपने को तो नहीं है, भगवान की कृपा है, अपने को कोई घमंड नहीं है, परंतु कईयों को हो जाता है, ये बीमारी है नॉर्सिज्म, यानी व्यक्ति अपने ही रूप पर मोहित हो जाता है, व्यक्ति अपने ही रूप पर मोहित हो जाता है, ठीक है। तो ये इसने इसको क्या नाम दिया है, नॉर्सिज्म। इसके बारे में एक कहानी है, मैंने पढ़ी थी कहीं, मैं आपको बता देता हूं कि एक यूनान का एक देश था और वहां पे का बच्चा था, और उनके घर पे कभी कोई ये दर्पण वगैरह नहीं था। तो वो एक दिन बालक एक नदी के किनारे जाता है और वहां अपनी परछाई देखता है, परछाई देखता है, पानी पी रहा है, तो उसको चेहरा दिखा और उसको, अरे यार मैं तो बहुत सुंदर हूं, इतना कहकर वो बालक वहीं मर गया, अर्थात उसे अपने रूप से क्या हो गया, प्रेम हो गया। कहते हैं कुछ समय के बाद, ये किसके अनुसार है, सिगमंड फ्रायड के अनुसार बताई गई है। सिगमंड फ्रायड कहता है कुछ समय के बाद वो व्यक्ति वहीं मर गया, बच्चा वहीं मर गया, और उसके बाद वहां पर एक पेड़ उग गया, पेड़ उगा, और उस पेड़ का नाम क्या रख दिया गया, नॉर्सिज्म, ठीक है। तो ये मैंने किताब में पढ़ा था इसलिए बता दी, परंतु आपको याद रखना है नॉर्सिज्म का अर्थ है सम्मोह, व्यक्ति अपने रूप पर मोहित हो जाता है, ठीक है, और वो अपने आप से ही प्रेम करने लग जाता है। चौथी है, इसने बताई है मूल प्रवृत्तियां, जो अपन जिक्र कर चुके हैं। मूल प्रवृत्तियां आदमी में 2 प्रकार की होती हैं, एक तो जन्म या जीवन, यानी जीवन मूल प्रवृत्ति, और एक होती है मृत्यु मूल प्रवृत्ति, ठीक है। और सिगमंड फ्रायड ने 5वीं बात बताई है कि ये सदियों से होता रहा है कि जो बच्चा होता है घर पे, जैसे लड़का है वो माँ की तरफ अट्रैक्ट होता है और लड़की होती है वो बाप की तरफ अट्रैक्ट होती है, तो हकीकत में होते हैं, माँ
जो लड़का होता है उसकी बहुत सुनती है और बेटी की बाप सुनता है। तो एक बहुत ही बढ़िया एक चंद लाइनें हैं, मैं यहाँ शेयर करना चाहूंगा कि एक मैंने कहीं पढ़ा था, उसमें लिखा था कि जब तक बाप जिंदा है, लड़कियों के लिए लिखा था कि जब तक बाप जिंदा है दुकान में टंगी हुई हर वस्तु आपकी है। बहुत गजब की बात थी कि दुकान में टंगी हुई वस्तु आपकी है जब तक आपका बाप जिंदा है। और परंतु आगे कुछ लाइनों में यह भी लिखा था कि जब तक आपकी मां जिंदा है सारा बाजार आपका है। तो कितनी गजब की बात लिखी है। तो ये बात यहां कही गई थी। तो वो कौन कौन सी ग्रंथियां हैं कि जैसे मां अपने पुत्र के प्रति, विषम लिंगीय के प्रति हमेशा अट्रैक्ट रहते हैं। मां एक लेडीज है, ये एक जेंट्स है, तो हमेशा अट्रैक्ट रहता है। मां का पुत्र के प्रति अट्रैक्ट होना यानी आकर्षित होना कौन सी ग्रंथि के कारण होती है वो, और पिता अपनी पुत्री के प्रति आकर्षित होता है या पुत्री अपने पिता के प्रति आकर्षित होती है। तो यानी ये कौन कौन सी ग्रंथियां, तो याद कर लो ये है इदिपस ग्रंथि और ये है आपकी पिता का पुत्री के प्रति है इलेक्ट्रा ग्रंथि। ये इलेक्ट्रा ग्रंथि की वजह से प्रभावित होते हैं। याद रखना है, कैसे याद रखना है गुरु जी, तो देखो ये क्या है, दोनों शब्द चुन लो पहले। ई है एक में और एक में क्या है आपके ए, ए यहां पे स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग यहां पे कौन है मां है, मां किसके प्रति अट्रैक्ट होगी पुत्र के प्रति, तो वो ई से शुरू होगा, ई से का मतलब हो गया इदिपस। और पिता पुत्री के प्रति होगा तो पिता क्या है पुलिंग है, तो ये रहा ए पुलिंग है, पुलिंग है तो आपको पिता के प्रति कौन हो जाएगा पुत्री अट्रैक्ट होगी या पिता पुत्री के प्रति अट्रैक्ट होगा, तो ये इलेक्ट्रा ग्रंथि है। तो ये था आपका व्यक्तित्व जिसमें फ्रायड का योगदान भी हमने पढ़ लिया। धन्यवाद।